क्या बताया थे प्रीवियस क्लास में? क्रिकेट भी चल तो ये था शायद ना, एक बार टेस्ट करते हम लोग। ये नहीं था, एक रन किया हुआ था ना, दूसरा था लगता है। हम लोग ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्वर चेंज कर दो। हाँ, ग्रिड व्यू वन था क्या है? ग्रिड व्यू का स्पेलिंग गलत था क्या? ग्रिड व्यू नहीं, ये था लगता है। आई की जगह हो गया था। इसका सॉल्यूशन फाइल कहाँ पर है? एक मिनट, तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, ग्रेडिएंट कंट्रोल। और इसका अगर हम देखें, सॉल्यूशन फाइल दिख ही नहीं रहा है। इसमें भी तो सारा काम हम लोग का हुआ है। फाइल कहाँ है? इसी में तो पेजिंग वगैरह दिख रहा है जी, है ना? कुछ इसमें प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है? लेकिन ये इसमें ही चेंज कर रहे थे ना, 14.6.13, ठीक है? तो इसमें चेंज कर रहे थे, द वेब सर्वर इज कॉन्फिगर्ड इज नॉट लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी में यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। इसको स्टॉप करेंगे तो ये फाइल सॉल्यूशन में शो नहीं कर रहा। gridview.aspx नहीं है, ये है। अच्छा, एक ये था लगता है ना, इसको हटा दो। ये इतना, तो इसमें हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे इतना, ठीक है? इंसर्ट नहीं किए थे, इंसर्ट आपको यहां से डायरेक्टली नहीं हो रहा था, यहां से सिर्फ क्या हो रहा था आपका, एडिट हो रहा था, ठीक है? और क्या हो रहा था, डिलीट हो रहा था, दो चीज हो रहा था। अब इंसर्ट करने के लिए इसमें प्रोविजन पहले से नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर जाके इसके ऑप्शन में, तो इंसर्ट का कहीं पर प्रोविजन नहीं है। शॉर्टिंग हो जाएगा, शॉर्टिंग आप कर सकते हैं, शॉर्टिंग जैसे करना है शॉर्टिंग भी हो जाएगा,
पेज सिलेक्शन इनेबल सिलेक्शन करना है, ये भी हो जाएगा, लेकिन इनेबल सिलेक्शन में कोई खास यूज नहीं होगा। ये दोनों आप देख लीजिए, शॉर्टिंग जो भी किए सारे में अंडरलाइन आ चुका है, दैट मीन्स देखिए ये आ गया आपको शॉर्टिंग करने के लिए, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको लिंक बन गया है। पोस्ट के अनुसार शॉर्टिंग करना है तो आप पोस्ट के अनुसार तो ऑलरेडी शॉर्टिंग है, ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग करना है, सैलरी के अकॉर्डिंग आ गया 45,000 सबसे ऊपर, 104 एम्प्लॉय आईडी, किसी के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना है वो आपको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। और ये सेलेक्ट है, इसका कुछ काम नहीं है, सारे को क्या कर देगा, रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम लोग को इसमें करना है इंसर्ट। तो इंसर्ट करने के लिए डायरेक्ट इसमें प्रोविजन नहीं है, या तो आप क्या कर सकते हो कि एक टेबल बना के, या फिर आप ये हटा देते हैं सिलेक्शन। आपको कितना चीज में इंसर्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 में इंसर्ट करना है, तो 5 टेक्स्ट बॉक्स ले लो और 5 लेवल ले लो। जैसे कैसे ले, तो इंटर वैल्यू फॉर ईएमपी आईडी, इंटर वैल्यू फॉर ईएमपी नेम, तो वो भी कर सकते हो। नहीं तो एक आपका इसमें कंट्रोल आता है, उस कंट्रोल का हम लोग यूज करते हैं, वो डेटा ग्रुप में होगा, कंट्रोल डिटेल्स व्यू, ठीक है, इसको आप यूज करके इंसर्ट के लिए बना सकते हैं। तो डिटेल्स व्यू में आपको क्या करना है, क्लिक करके इसमें भी जस्ट लाइक इसी जैसा आपको काम होगा, ग्रिड व्यू जैसा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इसका, ठीक है, अप्लाई, ओके। उसके बाद इसमें भी डेटा सोर्स आ जाएगा, किससे, SQL डेटा सोर्स 1 से, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी रखा है। और इसमें हम लोग कर दे रहे हैं इनेबल इंसर्टिंग, क्या कर दे रहे हैं, इंसर्ट, इंसर्टिंग के देखिए न्यू नीचे बन गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साइज इसको बढ़ा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एडिट कॉलम इसका भी कर देते हैं। तो पहला कॉलम है आपको, है ना, एक चीज और, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स हो गया, एडिट कॉलम की जगह पर एडिट फील्ड, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एडिटिंग वहीं से होगा, डिलीटिंग यहाँ से करना नहीं। चलो अब यहाँ पर क्या करना होगा कि इस चीज में हम लोग को एक चीज करना होगा, अगर एडिट फील्ड करते हैं तो फील्ड में हम लोग को क्या क्या चीज लेना है, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड ले लेते हैं, फॉर्म फील्ड ले लें, फॉर्म फील्ड ले लें, टेम्पलेट फील्ड ले लेंगे, एड टेम्पलेट फील्ड, एक मिनट, प्रॉपर्टीज इसमें जाके, और एक होगा डिफॉल्ट मोड में हम लोग रीड ओनली की जगह पर इंसर्ट कर दें। तो ये तो आ गया इंसर्ट करने के लिए, लेकिन फील्ड हम लोग को एक बार इसको टेस्ट करते पहले, हो गया। अब ये चीज है कि ये फील्ड को थोड़ा सा हम डिजाइनर बनाना चाहते हैं। ईएमपी आईडी आ गया, ईएमपी नेम आ गया, पोस्ट आ गया, टॉप, और इसमें एडिट टेम्पलेट में आके, और टेम्पलेट पेजर टेम्पलेट नहीं, इसमें नहीं होगा,
एडिट फील्ड्स, बाउंड फील्ड्स, डेटा बाउंड, बाउंड फील्ड्स, ऐड 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 ऐड, चार फील्ड हैं आप लोग को, वन टू फाइव, वन टू थ्री फाइव है कि चार ही है, वन टू थ्री फोर फाइव, चलो फाइव है, एडिट फील्ड, बाउंड फील्ड, ऐड 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 ऐड, और इसमें हम रख देते हैं, इसके हेडर टेक्स्ट में रख देना आपको ईएमपी आईडी, ठीक है, एंड इसके में रख देना है आपको ईएमपी नेम, और पोस्ट सैलरी है ना, एड्रेस, एड्रेस, अब ये नीचे आपको क्या हो गया, एक्स्ट्रा चुक गया है, तो हम चाहते हैं ये पिनिंग थोड़ा रन करा, तो एक चीज करना है, इस चीज को कैसे हटाया जाए, डेटा बाउंड फिल ऑलरेडी जो आ रहा है इस स्मॉल लेटर में, इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ये एक्स्ट्रा क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है, तो ऐड हम लोग को नहीं करना है ना, उसको चेंज करना है, तो वो चेंज जब तक ऐड न्यू फील्ड, ऐड न्यू फील्ड पर जाते हैं, एडिट फील्ड, सोर्स कोड में इसमें नेम चेंज, एक मिनट देख लेते हैं, सोर्स में अगर हम जाएंगे तो ये है डिटेल्स व्यू का ना, तो डिटेल्स व्यू का है तो ऑलरेडी वो बना देगा, ईएमपी आईडी है तो हम लोग बनाए हैं वो है, ठीक है ना, उसका कहीं एकाएक वो क्या कर रहा है ना, कि जो डिटेल्स एसक्यूएल डेटा सोर्स से दिए ना, उसी से टेबल क्या कर ले रहा है, टेबल के अकॉर्डिंग सारा वैल्यू एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से करें, पहले हम रन करवा लेते हैं इसको ना, उसके बाद चेंज करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हटा कर एडिट फील्ड में ये जो हम लोग जोड़े हैं इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, पहले इतना टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं वो फील्ड कहाँ से आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और हमको लगता है एक बार और चेक करना चाहिए, टेम्पलेट फील्ड करके देखते हैं, टेम्पलेट फील्ड, और इसमें डालते हैं ईएमपी आईडी, ठीक है, चलो ओके करते हैं, ये भी क्या कर रहा है, नीचे ऐड कर दे रहा है, नीचे ऐड नहीं करना है, चलिए पहले इतना पर हम चेक कर लेते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, तो देखिए ये तो यहाँ तो हम लोग रिकॉर्ड डाल देंगे, ठीक है, अब करना क्या है, जैसे ऐसे इसमें हम रिकॉर्ड डालेंगे इसमें कुछ भी और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड आने के बाद ये रिकॉर्ड यहाँ पर कैसे जाएगा ये सोचना है, इसके लिए तो कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली आपको सोर्स में देखे तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है,
ये जो अपना दिखा रहा है कॉलम का नेम, एम्प्लॉई आईडी, ईएमपी नेम, वो सारा कहां से उठाया है? इससे उठाया है, एसक्यूएल डेटा सोर्स के, क्योंकि इसमें हम लोग जाके और इसका डेटा सोर्स क्या दिए, एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो एक लाइन का इसमें कोड है, आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इसको क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज देगा और ये देगा आपको इवेंट, उससे रिलेटेड इवेंट। तो इवेंट पर जाइएगा तो यहाँ पर होगा एक आइटम इंसर्टेड, क्या है ये सारा इवेंट है। इवेंट अगर आप जैसे बटन पर डबल क्लिक करते हो तो क्लिक इवेंट ओपन होता है ना, उसी तरह आप अगर चाहते हो कि क्लिक इवेंट नहीं हो रहा है ओपन, तो आप यहां से भी जा सकते हो, बटन को सेलेक्ट करके उसके प्रॉपर्टीज के बगल वाले ऑप्शन में जाओगे आप, ये वाला ऑप्शन में, तो सारा इवेंट बताएगा। अब इसमें हमको है आइटम इंसर्टेड, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, खुल गया आइटम इंसर्टेड, डिटेल्स व्यू वन इसका नाम है आइटम इंसर्टेड, और इसमें कुछ नहीं लिखना है, ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा वन, ठीक है, चलो तो ये हो गया। और एक लेबल जो नीचे बनाए हैं यहां पर एक मैसेज देंगे, लेबल टू है शायद, लेबल टू के टेक्स्ट पर है ना, क्या आ जाए, वन रो इंसर्टेड। चलिए इसको रन, बाकी पहले से हो रहा था, अब हम लोग इसमें लास्ट है आपका 107, इसमें हम लोग 108 पोस्ट प्रोग्रामर सैलरी 55 एड्रेस, और ये आपका क्या है, इंसर्ट, वन रो इंसर्टेड आ गया यहाँ पर लेबल में और यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। और ये इंसर्ट आपको कहाँ पर हो गया होगा, डेटाबेस में, ठीक है। तो डेटाबेस में एक बार चेक कर लीजिए, जो यहाँ पर शो कर रहा है ग्रिड व्यू में वो डेटाबेस में शो करेगा, जो डेटाबेस में शो करेगा वो ग्रिड व्यू में शो करेगा। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, इम्प्लॉई था लगता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम इम्प्लॉई 108 आ गया। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हो। अब इसमें देखना है हमको थोड़ा डिजाइन, तो एक बार हम देख लेंगे डिजाइन कहाँ से चेंज होगा, थोड़ा सा डिजाइनर बनाना है, कहीं इधर से ही होता था वो दिमाग में नहीं आ रहा। एडिट टेम्पलेट से होता था, ऐड न्यू फील्ड, रिफ्रेश, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, नहीं से कुछ नहीं। यहीं पर कहीं ऑप्शन होगा जो हम लोग ऐड करेंगे, टेम्पलेट फील्ड ऐड करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, चेकबॉक्स फील्ड, चलिए एक बार देख लेंगे डेटा क्यों दे रहा है। ये दूसरे काम के लिए, एक बार हम देख लेते हैं, लेकिन दूसरे काम के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, कैंसिल करो इसको, मत करो। अच्छा इसको देख लेंगे, कहीं तो ऑप्शन है इसका, जो हम लोग टेबल जो है फील्ड वो इस तरह आ रहा है तो हम लोग अपने हिसाब से
अच्छा से इसको एडजस्ट कर सके, ये पीआईडी, ये पीनेम। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि सिर्फ सेलेक्ट करके और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, सॉरी प्रॉपर्टीज में जाके, और अभी आपको ये पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये इवेंट, इसके बगल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है दिया हुआ एक हम लोग चेंज किए थे डिफॉल्ट मोड, ये डिफॉल्ट मोड में आपको रीड ओनली के जगह पर क्या कर देना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट जैसा ये क्या करे, बिहेव करे, ठीक है। तो ये सिर्फ करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। हेडर कहीं दिख रहा है, हेडर टेक्स्ट, हेडर स्टाइल, ये है हेडर स्टाइल। आप हेडर स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जो हेडिंग स्टाइल है। तो ये सारा हो गया, तो इसके थ्रू हम लोग इसमें इंसर्ट कर लिए। अब आता है सिंपली कि इसी में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट करने के लिए, यहीं पर हम लोग क्या चाहते हैं कि अपडेट, है ना, जैसे ये है ना, एक नीचे में बॉक्स बन जाए, वहीं पर इंसर्ट करें, अपडेट करें और क्या करें, डिलीट करें, तो वो लेकिन लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है ना, चेंज करना पड़ेगा सारा जो कोडिंग हम लोग कर रहे थे। ये फील्ड जो आप देख रहे हो, है ना, अभी आप कोडिंग में जाओगे इसके, तो इसके कोडिंग में कहीं पर हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं इसके, इस यहाँ पर, ठीक है। ये एक तरह से इसका जो डिजाइन सेक्शन है, डिजाइन सेक्शन में आपको काफी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक दूसरा बनाते हैं और उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्म पर फोटो कैसे, जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो तो उसमें फोटो डालते हो ना, वो फोटो वाला देखिए। तो आइए एक बनाते हैं हम, पहले तो ये मेरा नहीं ना, कुछ इसको हटा देना, रिव्यू वन फॉर्म है ये नहीं, यही है। चलिए अब एक नया बनाते हैं बगल में इसका, एक एक्स्ट्रा फाइल लेकर, चलिए ठीक। तो अब एक सॉल्यूशन में जाते हैं और एक फाइल ले लेते हैं हम लोग, ऐड, और क्या करेंगे, वेब फॉर्म, और इसमें ऐड कर सकते हैं एक एक हम लोग बनाए थे ग्रिड व्यू डॉट ASPX, यहाँ बना देंगे इंसर्ट इन ग्रिड व्यू, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमने एक क्या लिया था, डिजाइन सेक्शन में आएंगे, एक लेबल लिए थे टूल बॉक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबल, लेबल में हम लोग इसके गए और प्रॉपर्टीज में आए, और देखिए बताया थे कि प्रॉपर्टीज के बगल में आपको क्या रहेगा, यहाँ पर इवेंट रहेगा, है ना, इतना इवेंट है इसका, ठीक है। लेबल पर अभी तक कोई इवेंट हम लोग यूज नहीं किए, और ये है इसका, ठीक है। तो लेबल में हम लोग को टेक्स्ट में इंसर्ट अपडेट डिलीट इन
ग्रिड व्यू ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में जाके और इसका फॉन्ट बोल्ड को ट्रू करेंगे एंड साइज, ठीक है। और कलर चेंज किससे होगा, फोर कलर से ना, ठीक है। फोर कलर चलिए, उसके बाद हमको क्या ले लेना है, एक टूल बॉक्स और डेटा में जाके क्या लेना है, ग्रिड व्यू। उसके बाद एक क्या ले लेना है हम लोग को, एसक्यूएल डेटा सोर्स कनेक्टिविटी के लिए। तीन चीज हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, चलिए तो यहां पर हम लोग सिंपली आप सोर्स में देखोगे तो देखिए ये हो गया आपको ग्रिड व्यू का, ये हो गया आप, ये लेबल हो गया, ये ग्रिड व्यू हो गया और ये क्या हो गया, डेटा सोर्स हो गया। तो पहला काम है हम लोग को कनेक्टिविटी करना। कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग अगर चाहें तो जेंडर वगैरह का भी ले सकते हैं, ठीक है, जेंडर भी ले सकते हैं। तो हम लोग को जेंडर अगर लेंगे तो फिर टेबल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक एम्प्लॉई वन नाम का टेबल बना देंगे, एक मिनट। और इसमें हम लोग क्या रखते रहे हैं, जेंडर रखते रहे, ठीक है। तो एम्प्लॉई वन बनाने के लिए अच्छा हम लोग एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल और टेबल नेम एम्प्लॉई वन। और अगर इसी वाला टेबल चाहेंगे तो सारा ये रो आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई वन एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉई। ये यहाँ काम करेगा तो पता नहीं है, ओरेकल में तो काम करता है, नहीं करेगा ना। क्रिएट टेबल एम्प्लॉई वन एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ऐसा आप ओरेकल में किए होंगे, जैसे ओरेकल जब तुम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में तो उसमें क्या होता था कि पहले से बना हुआ टेबल है वैसे ही बनाना है, ये सिंटैक्स फॉलो होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें बनाना थोड़ा सा, देखिए सारा एसक्यूएल कमांड जरूरी नहीं है कि इसमें काम करे, है ना। जैसे टॉप ओरेकल में काम नहीं करता है, टॉप इसमें काम करता है, माई एसक्यूएल में काम करता है। तो कुछ कुछ कमांड्स जो है तीनों डेटाबेस में सेम नहीं काम करता है, ठीक है। तो हम सिंपल एक छोटा सा बना देते हैं, एक रोल बना देते हैं स्टूडेंट का रोल, और रोल नंबर के लिए हम ले लेते हैं इंट, ठीक है। और क्या देते हैं, प्राइमरी की। और एक बना देते हैं एश नेम, एश नेम में क्या रहेगा, वैरकैर कर 50। और एक एश नेम के बाद कोर्स कर 20। और एक जेंडर ले लेते हैं, जेंडर, और जेंडर में इतने ही हम लेते हैं, एक रिकॉर्ड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू क्या हो जाएगा, एम्प्लॉई वन। इसके बाद क्या होता है, वैल्यूज और रोल नंबर वन, अंकिता बीएससीआईटी
और फीमेल। ये रेस्पेक्टिवली वैल्यू चला गया। अगर आपको चाहिए रेस्पेक्टिवली वैल्यू नहीं, किसी में खाली चाहिए, तो आपको कॉलम नेम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पहले कनेक्टिविटी कर लेते हैं। इस पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, न्यू कनेक्शन, और यहाँ पर सर्वर नेम, सर्वर नेम है आपका, कनेक्ट में जाएंगे, डेटाबेस इंजन, कंट्रोल सी, कैंसल, सर्वर नेम डालेंगे, यहाँ डेटाबेस शो करेगा, ESCIT सेकेंड, चलिए, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल, ओके, एंड नेक्स्ट, चलिए सारा फील्ड आ गया। नहीं ये नहीं, हम लोग को ये एम्प्लॉई वन, ये है ना, ये आ गया एडवांस में, जेनरेट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ओके, नेक्स्ट, टेस्ट क्वेरी आ गया, फिनिश। सोर्स में जाएंगे, देखिए कितना बड़ा हो गया सारा। अब देखिए थोड़ा, अब यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ता करेगा। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर सारा कमांड देखिए बन गया, डिलीट का पिछले क्लास में दिखाया था, इंसर्ट का, सेलेक्ट का एंड अपडेट का। डिलीट सिर्फ किसके बेसिस पर करेगा, आप यहाँ पर जो कर रहे थे, जैसे रन करवाए थे, हटा दी क्या, रन जो करवा रहे थे आप, डिलीट पर क्लिक कर रहे हैं, तो डिलीट जो कर रहा है वो किसके बेसिस पर कर रहा है, आईडी के बेसिस पर। तो यहाँ पर किसके बेसिस पर करेगा, रोल नंबर। तो डिलीट के लिए एक चीज चाहिए, इसीलिए डिलीट पैरामीटर में क्या रखा है, ये एक ही चीज रखा है, एक ही बेसिस पर। उसके बाद इंसर्ट में तो सारा चीज चाहिए, तो इंसर्ट में रोल नंबर, नेम, कोर्स, जेंडर सब में इंसर्ट कर सकता है यूजर, ठीक है। और एक इसका है अपडेट, अपडेट में भी सारा चीज इसको चाहिए, सारा कॉलम चाहिए। और एक क्या बच गया, सेलेक्ट, सेलेक्ट में कोई कॉलम की जरूरत है क्या, सेलेक्ट अस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई वन, उसमें कोई कॉलम की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये तीन बना दिया। अब अभी आप देखेंगे ग्रिड व्यू का, तो ग्रिड व्यू अभी आपको सिंपल एक लाइन का दिख रहा है, सॉरी ये ग्रिड व्यू है। अब ग्रिड व्यू पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके और उसका डिजाइन चेंज करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग डिजाइन चेंज करेंगे, ऑटो फॉर्मेट में जाके इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ये छोड़ देते हैं, ये कर रहे हैं अप्लाई। उसके बाद डेटा सोर्स, इसमें जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, एसक्यूएल डेटा सोर्स वन से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो चीज तो हम लोग कर देंगे, इंसर्टिंग के लिए और किसके लिए, इंसर्टिंग तो है नहीं, एडिटिंग और एक अपडेट, ये डिलीटिंग, दो चीज कर, पेजिंग वगैरह तो आप जान ही गए बाकी चीज। तो अब ये हो गया, अब जाएंगे हम लोग कहाँ पर, एडिट कॉलम पे, ठीक है, एडिट कॉलम पे जाएंगे। तो सबसे पहले इस कमांड फील्ड में एक चीज आपको क्या करना होगा कि ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान क्या देना होगा कि सोर्स में आप जाएंगे, तो अब देखिए ग्रिड व्यू का सोर्स, ठीक है, तो इसमें आपको चार फील्ड है, रोल, नेम, कोर्स एंड सेंडर, चार फील्ड आ गया है। अब प्रीवियस क्लास में और चारों फील्ड बाउंड फील्ड है, क्या फील्ड है, बाउंड है, आप इसके अंदर जो फील्ड बना रहा है वो आप नहीं बना रहे हो। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि आप अगर एडिट पर क्लिक करते हो तो यहां से लेके यहां तक तो अंदर देख रहे हो, ये क्या है, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है ये, आपने नहीं बनाया, ये पहले से बाउंड किया गया है, यानी पहले से देख के डेटा, और ये क्या कर दिया है, बाउंड फील्ड, कहने का मतलब ये बाउंड हुआ है किस से, एसक्यूएल डेटा सोर्स वन से, उसका वैल्यू देख के कि कहां पर यूजर को चेंज करने की जरूरत है, उसके अनुसार ये इंटरनल में आपको टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया है। और यहां पर क्या डाला है, लेबल, यहां पर क्या डाला है, लेबल डाला है। और तो देखिए क्या है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लाइए कि जब हम लोग दो चीज पर जरूरत है,
डिलीट में तो कुछ काम नहीं है, हमको यहां पर फिल्ड की जरूरत किस में है, डिलीट में काम नहीं, एडिट में और सेलेक्ट में, एडिट में और किस में, सेलेक्ट में, ठीक है। और इंसर्ट के लिए तो है ही नहीं इसमें। एडिट में सेलेक्ट में देखिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में सारा फील्ड क्या होगा, सेलेक्ट में तो शो होता है, सेलेक्ट में इंटरनल आप क्या सोचते हैं कि सारा क्या होगा, नो नो, फील्ड क्या होगा, जैसे आपको अभी बताया एडिट में इसमें क्या बॉक्स बनाया, कौन सा फील्ड, फील्ड के अंदर कौन सा बॉक्स बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ये चारों में टेक्स्ट बॉक्स है ना, और इसमें क्या है, लेबल, लेबल का वैल्यू रन टाइम में चेंज नहीं होता है, लेबल का मतलब क्या होता है, उसको रन टाइम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और टेक्स्ट में होता है कि आप रन टाइम वैल्यू चेंज, वो इनपुट लेने के लिए होता है, ये आप देख लिए। अब हम चाहते हैं एडिट में, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट में तो कुछ नहीं, तो डिलीट कर देगा। सेलेक्ट में अगर सेलेक्ट, ये सेलेक्ट मतलब सारा रिकॉर्ड शो कर रहा है, क्या सेलेक्ट में किसी भी रिकॉर्ड को हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि सारे जो भी रो का सेल दिख रहा है आपका, आप इसको सेल बोल सकते हैं, जो भी सेल रहा है उसमें क्या है, लेबल है, इंटरनल क्या है, लेबल। अब इतना क्यों इंटरनल बता रहे हैं, इसका रीजन है कि अब हम इसको अपने हिसाब से सारा सेट करेंगे, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या, देखिए यहां पर आएंगे हम लोग डिजाइन सेक्शन में और एडिट फील्ड में आएंगे, एडिट कॉलम्स, क्लियर है। एडिट कॉलम में आते ही हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर आपको जितना भी फील्ड है ना, सबसे पहले इसको नीचे ले आओ। अच्छे, यहां पर जो आप फील्ड, एक चीज और दिखा रहे हैं, यहां पर जो फील्ड ये दिखा रहा है ना, ऐसे कर रहे हैं एडिट, तो ये जानते हैं क्या है, एडिट पर क्लिक करना है और ये कैंसिल पर क्लिक करें, ये जानते हैं क्या है, ये एक टूल बॉक्स आता है में आपको कहीं पर होगा इमेज, ये इमेज लिंक नहीं, हाइपर लिंक भी नहीं, एक होगा आपको लिंक बटन, क्या है, लिंक बटन है, ठीक है ना, लिंक पर क्लिक करने के बाद। अब ये करना है हमको, बनाना है इतना, तो आइए अब आते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके एडिट कॉलम्स में आते हैं और एडिट कॉलम में आते ही पहले कमांड फील्ड को हम सबसे नीचे करते हैं, ठीक है, और कमांड फील्ड के नीचे करते ही हम लोग इसमें तो पहले लिख देते हैं एक्शन, क्या लिख देते हैं, और जितना भी फील्ड है सबको, जो नॉर्मल फील्ड था, बाइंड फील्ड था, सब हमको हम करते हैं टेम्पलेट फील्ड, अपने हिसाब से चेंज करना है, टेम्पलेट फील्ड मतलब हम अपने हिसाब से उसमें चेंज करेंगे, वो टेम्पलेट आपको देगा, टेम्पलेट दे दिया। आइए एक करेंगे कन्वर्ट, कन्वर्ट टेम्पलेट फील्ड, कन्वर्ट टेम्पलेट फील्ड, कन्वर्ट टेम्पलेट फील्ड, कन्वर्ट टेम्पलेट, और कर देंगे ओके, ठीक है, आ गया। अब इसमें देखिए टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट करते ही आप देखिएगा सोर्स में, तो देखिए पहले आपको दिखा रहा था बाइंड फील्ड, आप देखेंगे ध्यान से सोर्स, इसका सोर्स से देखिए, इसका सोर्स में देखिए ग्रिड व्यू पहले जो बनाए थे, इसका सोर्स में देखिएगा आप, तो देखिए सारे में क्या है, बाउंड फील्ड, बाउंड फील्ड, बाउंड फील्ड, इसमें भी वही था, लेकिन अब इसमें देखिए सब में आ जाएगा, क्या आ गया, टेम्पलेट फील्ड, टेम्पलेट फील्ड, टेम्पलेट फील्ड, टेम्पलेट फील्ड एंड टेम्पलेट फील्ड, ठीक है। अब टेम्पलेट फील्ड से फायदा क्या है, देखिए फायदा क्या है वो बताते हैं, क्या फायदा है इसमें, जैसे बाउंड फील्ड में देखिए तो हम, आप कोई चेंज नहीं कर सकते, एक लाइन का बाउंड फील्ड दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है, वही देखोगे आप टेम्पलेट फील्ड में तो दो चीज आपको दिखा रहा है टेम्पलेट फील्ड के अंदर, एक दिखा रहा है एडिट आइटम टेम्पलेट और एक दिखा रहा है आइटम टेम्पलेट। एडिट आइटम टेम्पलेट के मतलब होगा कि उसमें आप एडिट कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं, और एडिट में देखिए रोल में क्या दिया हुआ है, लेबल, क्या दिया हुआ है, तो एडिट में आप क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे थे यहाँ पर, एडिट में क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर क्या है, ये लेबल है, और बाकी में आप देखोगे तो बाकी में देखो, आप दूसरे में देखो टेम्पलेट फील्ड में, एडिट में देखो क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स,
है कि नहीं? इस नेम में क्या दिया हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स, पोस्ट में टेक्स्ट बॉक्स, है ना। अब ऐसे करने से फायदा क्या है कि आप चाहते तो आप ये वाला बटन हटा के कुछ अपना डाल सकते, कुछ आप अपना डाल सकते हैं। उस समय बॉन्ड फील्ड था, जो आप कोई चेंजिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एडिट आइटम तो समझ गए, एडिट आइटम है एडिटिंग करने के लिए, और आइटम टेम्पलेट जो है वो है डिस्प्ले करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो डिस्प्ले वाला में हर जगह देखिएगा तो क्या दिया हुआ है? लेबल, लेबल। इसमें भी देखिए आइटम टेम्पलेट में लेबल टू, कोर्स में भी देखिए आइटम टेम्पलेट में क्या दिया हुआ है? लेबल थ्री, मतलब लेबल है, कहीं चेंज नहीं करते। यही समझा रहे थे कि इंटरनली ऐसे है। अब इसमें एक काम क्या करना है, अब आते हैं डिजाइन में। तो एक हम लोग को इसी में चाहते हैं कि इंसर्ट का एक नीचे बन जाए, तो आएंगे प्रॉपर्टीज में, और एक होगा यहां पर देखिएगा फुटर रो, फुटर रो, फुटर स्टाइल। तो ये तो स्टाइल हो जाएगा, फुटर स्टाइल है ना, फुटर स्टाइल। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा कहीं, फुटर, फुटर बॉर्डर कैप्शन मिलता ही नहीं है, इसको असेंडिंग में करना पड़ेगा। अलाउ पेजिंग सॉर्टिंग कैप्शन सेल पैडिंग, हम लोग भी नहीं मिल रहा है। एडिट रो स्टाइल, फुटर स्टाइल किसी में होगा क्या जी? फुटर स्टाइल नहीं, तो ये तो स्टाइल दिया हुआ है। फोर कलर हाइट हॉरिजॉन्टल आइटम फुटर स्टाइल रो स्टाइल, फुटर रो कहीं नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फुटर, फुटर हेडर कहीं दिख रहा है? हेडर रो के आसपास ही होगा। अलाउ कस्टम पेजिंग, अलाउ सॉर्टिंग अल्टरनेट ऑटो 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 बॉर्डर बॉर्डर कैप्शन कैप्शन सेल पैडिंग कॉलम्स, ठीक है। डेटा एडिट रो स्टाइल एम्प्टी इनेबल्ड 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 फॉन्ट फुटर स्टाइल फुटर स्टाइल है फॉन्ट है फोर कलर एक मिनट एडिट कॉलम में जाके कहीं पर फुटर रे वो दिख रहा है क्या? टेम्पलेट फिट फुटर टेक्स्ट नहीं, इसमें नहीं यार, इसमें में होगा फुटर रो इंसर्ट करने के लिए। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फुटर रो डालेंगे तब ना, हेडर रो फुटर रो। डिलीट मेथड, अच्छा एक काम करते हैं, एसक्यूएल डेटा सोर्स 1-2 डाल दिए हैं, डेटा की नेम रोल नंबर सही है, एडिट रो स्टाइल, फुटर स्टाइल दिया है, फुटर रो नहीं दिया है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फुटर टेम्पलेट तो यहाँ दिया हुआ है, फुटर टेम्पलेट, फुटर टेम्पलेट में चलिए इसको नेक्स्ट देख लेंगे ना। आइटम टेम्पलेट दिया हुआ है,